व्हाट्स अप व्यूअर्स, मैं हूं अबू उमर। तो भाई आज मैं आया हूं ऑटो एक्सपो और ये है हॉल नंबर 7 जो कि है किया वालों का। तो भाई चलते हैं अंदर और मैं आपको दिखा देता हूं कि किया के पवेलियन में आपको क्या क्या मिल जाता है। तो भाई सबसे पहले आप इसमें एंटर करेंगे तो देख सकते हैं आप भीड़ कितनी ज़्यादा है। और सबसे पहले आपको यहाँ दिखती है ये किया की कैरेंस जो कि कन्वर्टेड है एम्बुलेंस में। यहाँ पर आप देखें किया की कैरेंस को एम्बुलेंस बना दिया गया है और एक पुलिस कार बना दिया गया है। बेसिकली इसमें यह रैप कर दिया गया है सामने से और अंदर से कुछ चेंजेस किए हैं, वो पीछे से चल के मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको इस साइड में पूरा एम्बुलेंस लिखा मिल जाएगा, पीछे आपको एम्बुलेंस की बैजिंग मिल जाती है पूरी इसमें, और ऊपर आप देख सकते हैं एम्बुलेंस वाली लाइट लगी है इसमें। और यहाँ पर आप देखें तो ये रिफ्लेक्टिव वाले टेप हैं जो कि ज़्यादातर एम्बुलेंस में यूज़ होते हैं। अंदर एक बेड टाइप की डाल दी गई है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखे हैं, ये आपको ये मीटर और सारी बेल्ट मिल जाती है। बेसिकली किया वालों ने ये इसलिए किया क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि हमारी कार में बहुत स्पेस है, पर इतना स्पेस मुझे समझ नहीं आ रहा है एम्बुलेंस जिस हिसाब से बनाई गई है। और यहाँ पर ये है पुलिस की कार जो कि एक 7 सीटर पुलिस की कार है, और डीजल तो इसका ठीक है पर अगर पेट्रोल से पुलिस किसी चोर को पकड़ेगी तो वो कभी नहीं पकड़ पाएंगे। यहाँ पर ऊपर आप ये ऐसी कुछ लाइट्स देख सकते हैं और ये मुझे लग रहा है बेस मॉडल की फेंडर के इंडिकेटर्स आपको दिख सकते हैं। यहाँ पे आप ये देखिए ऐसा कुछ इसमें अलग से आईपैड लगाया गया है बाहर से ही। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पे खड़े हैं किया के दोनों मेन प्रोडक्ट्स इस पवेलियन के, किया के दो मेन लॉन्चर हैं। और यहाँ पर आप देखें तो ये खड़ी है वाइट कलर की ऑल न्यू नेक्स्ट जनरेशन कार्निवल। तो ये किया की नेक्स्ट जनरेशन कार्निवल किया ने शोकेस करी है ऑटो एक्सपो में, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा लुक इन्हेंस हो गई है। यहाँ पर आप देखें तो आपको ग्रिल में 2 प्रोजेक्टर मिलते हैं, हेडलाइट में 2 प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, और DRL काफ़ी बड़ा सा है सामने। फ्रंट पार्किंग सेंसर, फ्रंट पार्किंग कैमरा, अलॉय की डिज़ाइन देखें तो काफ़ी अच्छी है इसमें आप देखें तो KA4 नाम दिया है किया वालों ने इसको ऑटो एक्सपो में, पर यह किया कि नई वाली कार्निवल है। तो ओवरऑल डिज़ाइन तो बहुत सही है, पीछे से अभी मैं आपको चल के दिखा दूँगा। पुरानी वाली कार्निवल की लुक लोगों को इतनी पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि बहुत सिंपल सी थी, ये थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये थोड़ी ज़्यादा मॉडर्न लग रही है। यहाँ साइड से देखें तो कार के पूरे ग्लासेस टिंटेड हैं, जेड ब्लैक शीशे जिसे आप कह सकते हैं, जिससे कार की लुक और एनहेंस हो जाती है। बीच में आप देखो तो आपको सिल्वर फिनिश मिल जाती है ग्लासेस के बीच में। आप रियर की प्रोफाइल की बात करें तो भाई आप देख सकते हैं ऐसी कुछ है इसकी ये रियर प्रोफाइल, आपको ऑल LED टेल लैंप सेटअप मिल जाता है। वाइपर दिख नहीं रहा है, शायद हिडन सा रखा हुआ है इन्होंने वाइपर। तो ये थी किया की नेक्स्ट जनरेशन कार्निवल, और कार्निवल के बगल ही में खड़ी है किया की और न्यू कंसेप्ट EV9 जिसने इस पवेलियन में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन ले रखा है, बहुत भीड़ इकट्ठा कर रखी है। और इस कार को कई लोगों ने कई सारे नाम दे दिए हैं, जैसे किया वालों की डिफेंडर हो गई, किया वालों की रेंज रोवर हो गई, पर ये एक पूरी ऊंची SUV है इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट में जो कि किया वाले लॉन्च करेंगे अराउंड 2025 तक। तो देखते हैं कैसी आती है, अभी तो ये कॉन्सेप्ट में है। यहाँ पे आप फ्रंट में देखें तो काफ़ी मैसिव सी बल्कि सी लुक मिल जाती है आपको इस कार में। कार में कुछ कनेक्टेड जैसे टाइप आपको हेडलैम्प्स मिलते हैं जो कि एक बढ़िया सा लुक प्रोवाइड कर रहा है कार को। अंदर के इंटीरियर की बात करें तो वो थोड़ा कॉन्सेप्ट टाइप का है, तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, अभी कार भी कॉन्सेप्ट है इसलिए ज़्यादा समझ नहीं आएगी। हेडलैम्प्स में आप देखें छोटे छोटे आपको प्रोजेक्टर्स दिख रहे होंगे, अभी तो एक कॉन्सेप्ट है, पता नहीं जब रियल कार आएगी तो कैसी दिखेगी। यहाँ आप साइड मिरर्स देख सकते हैं कैसे छोटे छोटे से हैं। अब हम देखेंगे इसकी साइड प्रोफाइल और रियर प्रोफाइल, पहले मैं आपको इसकी साइड प्रोफाइल दिखा देता हूँ। तो साइड से आप देखें तो ऐसे कुछ है ये कार, इसमें आपको बड़े बड़े व्हील्स मिल जाते हैं जो कि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। आई थिंक ये 22 इंच की रिंग लगा रखा है यहाँ पर, और साइड से आप देखें तो काफ़ी लंबी कार है, व्हील बेस काफ़ी लंबा है कार का। तो ये थी इसकी ये साइड प्रोफाइल, और अब मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी रियर प्रोफाइल। तो भाइयों ये है इसकी रियर की प्रोफाइल जो कि देखने में अच्छी लग रही है, बुरा डिज़ाइन नहीं है। यहाँ पे आपको एकदम लंबी सी टेल लैंप मिल जाती है और बीच में किया की बैजिंग है। यहाँ आप साइड से ऐसी कुछ इसकी लुक देख सकते हैं। तो ये थी किया की EV9 की कॉन्सेप्ट। अब आते हैं दूसरी कार की तरफ इस पवेलियन की, तो यहाँ पे खड़ी है किया कैरेंस, और अब यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे खड़ी है किया की EV6। भाई भीड़ तो आज बहुत ज़्यादा है ऑटो एक्सपो में, सैटरडे का दिन है, और यहाँ पे ये है किया की EV6 क्योंकि अभी सेल पे है और इसमें यूट्यूब
कर कई सारे रिव्यूज़ पड़े हैं और इसमें आपको काफ़ी अच्छा पिकअप मिल जाता है। अराउंड 2 या 3 सेकेंड्स में यह 0-60 टच कर लेती है। जहाँ तक यहाँ पे आपको बढ़िया सी लुक मिल जाती है, देखने में तो कार बहुत अच्छी है, इसका पिकअप बहुत अच्छा है, रेंज भी सही है, 500-550 के अराउंड रेंज आपको दे देगी। पर जो मेन दिक्कत आती है वो आती है प्राइस की, 60 लाख के अबव है इसका प्राइस, तो भाई काफ़ी महंगी कार है ये, नॉर्मल इंडियन के लिए काफ़ी मुश्किल है इसको खरीद पाना। अब यहाँ पर देखें तो ये खड़ी है किया की सोनेट, इसमें मैं आपको दिखा दूँ तो इसमें किया वालों ने कोई चेंज नहीं किया है, वैसे ही की वैसी खड़ी है, इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। किया सोनेट का GT लाइन ग्रीन कलर खड़ा कर रखा है किया वालों ने, साइड से भी आप देख लीजिए और रियर से भी आप देख लीजिए, और इसका कुछ चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे जो मॉडल खड़े रहते हैं इसके साइड में जो इन्फॉर्मेशन देते हैं कार की, उन्होंने भी कहा है कि अभी इसका कुछ नहीं है। यहाँ पे ये आप देखिए सेल्टॉस भी ऐसे ही सेम टू सेम है, बोल रहे थे कि सेल्टॉस का अपडेट आएगा, सेल्टॉस का न्यू वर्जन आएगा 2023 में, पर कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया गया किया के द्वारा। यहाँ पर ये खड़ी है अपनी EV9 कॉन्सेप्ट और उधर कार्निवल। तो भाई ये थे किया की दो मेन लॉन्चेस जो कि होने वाले हैं। तो भाई ये थी किया के पवेलियन की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।